नमस्कार। आप हमारी खबरों को देखते देखते उब चुके होंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की खबरें ही चला रहे हैं, लेकिन क्या ये है कि हमें गांव में जा रहे हैं तो जितने अच्छे काम मिल रहे हैं उसके चार गुना हमें गलत कार्य मिल जा रहे हैं। हम इस समय रामकोला ब्लॉक के सपहा में हैं और हम यहाँ पंचायत भवन में हैं। पंचायत भवन की स्थिति देख लीजिए, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। 2,57,000 रुपये लगा के इसकी मरम्मत कराई गई है। 5-5.5 लाख रुपये बना भी होगा, ये लगभग 8 लाख रुपये। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसकी जरूरत क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? अब आप पूछेंगे ऐसा कैसा सवाल हो गया, तो मैं सही सवाल कर रहा हूँ और सही सवाल यही है। मैं आपको चल की स्थिति दिखाता हूँ। हम रामकोला के सपहा के पंचायत भवन पे हैं। मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि पंचायत भवन पे सेक्रेटरी, प्रधान, इन सबकी मीटिंग्स होती है। लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए, मैं यहाँ के कमरों की स्थिति दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। सबसे पहले सफाई देख लीजिए, हर गांव में सफाई कर्मी तैयार हैं, हर गांव में सफाई कर्मियों की ड्यूटी है। सफाई कर्मी गांव में सफाई तो करते नहीं है और यहाँ पंचायत भवन पे भी सफाई नहीं हो रही है। यहाँ की स्थिति देखिए आप, टंकी तो लगी है लेकिन टंकी पानी नहीं देती है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि अंदर की चित्र दिखाइए और यह दिखाइए कि यह बनने के बाद कभी भी इसका उपयोग नहीं किया गया है। अगर इसका उपयोग किया गया होता तो ऐसी स्थिति ना होती। अब मैं यहाँ की आपको शौचालयों की स्थिति दिखा रहा हूँ, जो यह चीख चीख के बता रहा है कि इसका उपयोग कभी नहीं किया गया है। यहाँ पे इसका उपयोग कभी नहीं हुआ है और सिर्फ सरकारी पैसे और जनता के पैसे की बंदर बांट हुई है। मैं अगले कमरे की तरफ रुख करता हूँ। अब आपको मैं बता दूँ, मैं अगले कमरे में जा रहा हूँ। यहाँ पे सरकारी अभिलेख रखे जाते हैं। अंदर का दृश्य देखिए आप, यहाँ लगता है कि कोई सचिव या प्रधान या कभी मीटिंग हुई होगी। यहाँ पे ये अभिलेख चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका उपयोग कूड़ा करकट रखने के लिए गया है। और सामने देखिए ये दारू की शीशी चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ अय्याशी का अड्डा है, न कि प्रधान और सचिव के बैठने की जगह। अब आप पूछते जानते ही होंगे कि प्रधानी के चुनाव में दारू और मुर्गे की पूरी व्यवस्था होती है। जो यह तस्वीरें चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। ये दारू की बोतलें देखिए, यहाँ तेल की शीशियाँ देखिए, प्याज के छिलके देखिए, ये सीधे सीधे बता रहा है कि इस चुनाव में भी दारू मुर्गा मजबूत रहेगा और यह कार्य चलता रहेगा। अब मैं यहाँ के शौचालय, बाहर में शौचालय, उसको भी दिखा देता हूँ। हर गाँव में सफाई कर्मी की तैनाती है, लेकिन सफाई कर्मी सार्वजनिक जगहों की सफाई के लिए सबसे पहला उनका कार्य होता है। सबसे पहला दायित्व तो होता है कि वो सरकारी जो स्थल हैं उनको सफाई करें। मैं यहाँ के शौचालय को दिखाऊंगा और शौचालय को देखकर आप दंग रह जाएंगे कि यह शौचालय यूज तो होता है लेकिन कभी सफाई नहीं होती है। आखिर सफाई कर्मी किस कार्य के लिए रखे हुए हैं, सफाई कर्मी को सैलरी किस बात की दी जाती है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पंचायत भवन के अंदर का शौचालय है जिसकी तस्वीरें देखिए, इसका लगता है कि उपयोग ही नहीं हुआ है। उपयोग भी हुआ है तो कभी इसको सफाई दफाई नहीं की गई। मौके पर सफाई की भारी कमी महसूस की गई जो सफाई कर्मी के आने को प्रदर्शित कर रहा है। तो यह 22 गांव का अस्पताल है, लेकिन अस्पताल को देखिए, इस अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है। आप देख लीजिए, सामने तस्वीरें बता रही हैं और यह चीख चीख के बता रही हैं कि भाई साहब मैं खुद बीमार हूँ। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए, यह मुख्य दरवाजा है। यहाँ पे ये पशुओं के रहने का आश्रय बन गया है। जंगले फाटक तो है नहीं, डॉक्टर की तैनाती हुई नहीं। ये अंदर देखिए, अंदर की तस्वीरें और भी भयानक हैं। यहाँ पे लोगों ने मलमूत्र कर दिया है। ये आप देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, शौचालय है। ये शौचालय है, ये तस्वीरें आप देखिए। और तस्वीरें देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं आप कि सरकार जो योजनाएं धरातल में भेज रही हैं उनका कितना बखूबी पालन हो रहा है। और यह मौके पर ऐसे ही सरकारी पैसे का बंदरबांट हो रहा है। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं आप अस्पताल के अन्य भागों को भी दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां एक हैंडपम्प भी है, वह भी बीमार है। मतलब कहिए तो, सीधा सीधा कहिए तो ये पूरा अस्पताल ही बीमार है। तो यह इलाज क्या करेगा? अभी कोविड का काल था, उस दौरान भी इस गाँव में लगता है कोई आया नहीं। आप यहाँ की तस्वीरें देख लीजिए, अब अंदर जाने से भी डर लग रहा है क्योंकि अंदर की तस्वीरें और भयानक हैं। और सीधे सीधे बता दूं आपको कि इस अस्पताल की व्यवस्था
सीधे आईसीयू में है। आईसीयू में है यहां की अस्पताल व्यवस्था, देख लीजिए आप तस्वीरें। आप लोग बाहर चलिए, हम लोग आपसे बात करेंगे। अब यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे मैं बात कर लेता हूँ और पता कर लेता हूँ कि इस अस्पताल ये बदहाल है तो ऐसा क्यों। भैया ये अस्पताल कब बना था? 2009-10 में बना था। तो बनने के बाद कभी चालू नहीं हुआ? कभी नहीं चालू हुआ है। भैया यहाँ कभी डॉक्टर की तैनाती हुई थी? नहीं नहीं कभी नहीं है, ये पूरे 2200 टोला में एक ही है बना हुआ है और तभी से ये चालू नहीं। इसके अलावा कोई यहीं और भी बना हुआ है? नहीं नहीं और कहीं नहीं बना हुआ है। आप लोग इस संबंध में कभी प्रधान जी से या किसी जिम्मेदार से बात किया? आप लोग किससे बात किया था? प्रधान जी से कहे थे इसको मरम्मत कराने के लिए। हाँ तो क्या बोले? तो नहीं बोल दिए नहीं हो पाएगा, मरम्मत नहीं हो पाएगा, ब्लॉक से होगा। अब डॉक्टर कभी आओ ले जाओ? डॉक्टर एक आध बार आए थे देखने के लिए चले गए। और एनम भी एक दो बार आए थे, खाली अंदर नहीं बैठते यहाँ से। हाँ तो है बीमार अस्पताल में कैसे बैठी लो? बनवाई लो तब बैठी लो, सुधार के कराई वो लोग ने कराई लो। मतलब ये अस्पताल खुद बीमार है, सबसे पहले इस अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है। चलिए गांव के अन्य जगहों पर ही पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ की तस्वीरें क्या कहती हैं। अब हम गाँव के ही पुस्तकालय पर हैं, अब हम गाँव के ही पुस्तकालय कम आंगनबाड़ी भवन पर हैं। यहाँ निर्माण कार्य चालू है, मजदूर लोगों से बात करने पे पता चला कि यहाँ टाइल्स लगेंगे। चलिए अच्छी बात है, लेकिन इसकी गुणवत्ता ऊपर चूना लगाने वाले भाई साहब ही बता देंगे कि कितनी गुणवत्ता से कार्य हो रहा है। अब यहाँ पे एक नल भी लगा हुआ है जो लोगों के पानी पीने का कार्य करता है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊँगा कि यहाँ पे 5-8 लाख रुपये सिर्फ सरकारी नल मरम्मत के नाम पर आए हैं, लेकिन मरम्मत यही हुई है। आप देख लीजिए ऐसी ही मरम्मत है। और यही सामने एक शौचालय भी है जिसको इज्जत घर हम बोलते हैं, लेकिन इज्जत घर अपनी खुद बेइज्जती पे तरस खा रहा है। आप देख लीजिए तस्वीरें। तो ऐसे ही गांव का विकास हमारे माननीय लोग कराते हैं, ऐसे ही होता रहा है विकास और आप चुप रहे हैं तो ऐसे ही होता रहेगा विकास। पिछले वीडियो में आपको बताया था जब चाप की खबर चलाई थी हमने कि शौचालय योजना में कुशीनगर अव्वल है और बस्ती पीछे है। तो यह जो अव्वल वाला दर्जा जो दिखाया गया था ना, वह सिर्फ और सिर्फ कागजों में दिखाया गया था, हवा में ही दिखाया गया था। जिसकी ताज़ा तरीन तस्वीर आपको सामने दिख रही है, ये शौचालय दिख रहा है। ये देखिए शौचालय तो आपको दिख रहा है लेकिन इसकी छत गायब है। मैं शौचालय खोल रहा हूँ और पहले सबसे पहले देखिए यह तस्वीरें, यह जैतून पति नियाजुल के नाम पे अलॉट हुआ है, लेकिन यहाँ मैं संबंधित से बात किया तो उन्होंने कहा कि इसका निर्माण तो हुआ है लेकिन यह कभी चालू नहीं हुआ क्योंकि अंदर का सारा कार्यभार अधूरा है। और यह निर्माण बस 2018-19 का है, लेकिन जो सामने तस्वीरें बता रही हैं वो चीख चीख के बता रही हैं भैया कि हम तो नहीं बने हैं। मैं अंदर देखिए किस तरह से यहाँ पे बांध के रखा हुआ है कि यह कहीं शौचालय भाग ना जाए, शायद खोलने की ज़रूरत नहीं है। यह इस तरह से बांधा हुआ है कि यह काम नहीं करता है। सामने टंकी भी देख लीजिए, टंकी भी यही बता रही है कि भैया हम चालू नहीं हुए। आपके शौचालय कहाँ नहीं बनल? प्रधान बनवा प्रधान जी लाइक बनवा सबका बनवा गया, हमारा छोड़ दिया कुछ नहीं नहीं कि प्रधान से। हाँ गिट्टी मांगल लो, पैसा मांगल लो, कितना रुपया पैसा मजूरी मांगल लो, जो बनाए मजूरी दिया कोई पता नहीं मजूरी मांगल लो, से दू बोरा सीमेंट मांगल लो, ठीक है। अच्छा हाँ इसी के लिए वो बाकी रख गया है, ठीक है। बताइए सरकार पूरा पैसा भेज रही है कि उनके संबंधित का शौचालय बने, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं मिलने के कारण यह शौचालय रोक दिया गया है। यह बता रहा है कि जिले में भ्रष्टाचार किस स्तर तक काम कर चुका है। गड्ढा हमारा भाई को रहे हैं, ठीक है। हाँ ओकरे बाद से बोल रहे हैं कि मजदूरी दो, जो बनाएगा उसको मजदूरी दो। एक रुपया अगर उड़ा मजदूरी नहीं खेते, एक रुपया करती नहीं। दो बोरा सीमेंट मांगे हैं। अच्छा हाँ दो बोरा सीमेंट दो तो मजबूत बनेगा, नहीं दोगे तो नहीं बनेगा। क्या नाम है आपके? हमारा ज्यादा खातून। अब क्या क्या नाम से बनवा सोच रहे? जैतून के क्या नाम है? हमारा अम्मी का। अच्छा आपकी अम्मी का नाम है। अब मैं आपको ऐसा शौचालय दिखाने जा रहा हूँ जिसको देख कर आप दांतों तक उंगलियां दबा लेंगे। सबसे पहले नीचे दिखाइए हमारे कैमरामैन जी, ये क्या है? आप सभी लोग पहचानते होंगे, ये चूल्हा है। और सामने देखिए शौचालय, शौचालय दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है शौचालय आपको? ये शौचालय बस 2018-19 में बना हुआ है, जिसपे नाम भी नहीं लिखा हुआ है किसी का, सिर्फ और सिर्फ बना के निर्माण करके छोड़ दिया गया है। नाम क्यों लिखे? क्योंकि इनको पता है कि ये बनाना है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे आवंटित किए गए हैं
दीवार चला दी गई है, बाकी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। एकर घर है सुदीन के। शौचालय कहाँ है, क्यों बनल होते हैं? जगह नहीं रहते जी। अच्छा तो कहाँ चालू नहीं भइल हो भिन? कब बनल? कितना साल पहले बनल? लगभग तब अंदाजा कुछ लगभग 1.5-2 साल हो गए कि नहीं? हाँ हो गए। प्रधान से बात नहीं कर उठन गए? नहीं। कहाँ कहाँ कहते सब घर नहीं भाई। तो देखिए महिलाएं भी हैं और सरकार दावा कर रही है कि महिला सुरक्षा सप्ताह मना रही है कि खुले में शौच मत जाइए, लेकिन आप बताइए कि ऐसे शौचालय रहते हुए आदमी क्यों ना खुले में शौच जाए। मैं गांव के एक शौचालय पर हूँ। पहले शौचालय का ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पे सब कुछ सही लिखा हुआ है, इज्जत घर, स्वच्छ भारत मिशन, वर्ष लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे आश्चर्यजनक बात बताऊँ कि लाभार्थी का नाम ही नहीं, ना लाभार्थी का नाम देने के लिए कोई कालम छोड़ा गया है, डायरेक्ट पिताजी ही आके उनके बने हुए हैं, बाकी लाभार्थी का तो कहीं पता नहीं है। अब मैं शौचालय को देख लेता हूँ, अंदर की स्थिति देख लेता हूँ। यह वाह देखिए, ये कागजों का शौचालय, ये शौचालय देख लीजिए, कागजी शौचालय। इसका सीट नहीं लगा था क्या? न सीट लगा है, न छत लगा है, न ही टंकी का छत लगा हुआ है, लेकिन शौचालय पूर्ण हो गया। शौचालय कब बनल है बताई? 2-3 साल हो गए। तो कहाँ आधा अधूरा बटे बारे में नहीं बतनी आप लोग? देखिए गांव वालों की सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो शौचालय योजना होती है उसके एक सूची प्रधान के पास होती है, सार्वजनिक सूची चस्पा नहीं की जाती है, इससे लोगों को यह नहीं पता चल पाता है कि गांव में किसका किसका शौचालय बना है। उनको तब पता चलता है कि जब उनके यहाँ शौचालय का निर्माण होता है, लेकिन शौचालय का निर्माण किस हद तक हो रहा है यह तस्वीरें बताने के लिए काफी है। शौचालय के बारे में चाचा कुछ जानकारी दे। चाचा क्या जानकारी देते आप? 40 बरस सीमित था, वो भी फेंका गया। कहाँ? नहर में फेंक दिया गया। कहाँ? लाठ हो गए के बनाई। बताइए 40 बोरा सीमेंट फेंक दिया गया, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि एक लाभार्थी जो 2 बोरा सीमेंट उसने नहीं दिया तो उसका शौचालय नहीं बना। नहीं बना। यहाँ एक महिला है, वो कुछ कहना चाहती हैं। सामुदायिक शौचालय है जो लॉकडाउन के बाद सरकार ने नए मानव दिवस सृजित करने के लिए, मतलब लोगों को गांव में ही रोजगार देने के लिए कहीं पंचायत भवन कहीं शौचालय का निर्माण करवाया था। तो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है कि शौचालय अंदर तो लोग नहीं कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। बाहर क्यों ना करें तो सबसे पहले शुरुआत में दिखा देते हैं भाई साहब, यहाँ नल नहीं है, मोटर लगा हुआ है लेकिन मोटर का कहीं पता नहीं हुआ है, शौच कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम अंदर भी जा रहे हैं, कितना गुणवत्ता पूर्वक यह शौचालय बना है यह सामने चित्र में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे तो बन गया है और ये भी बन गया है, लेकिन ना कहीं पानी की व्यवस्था है, ना चालू हुआ है और यह खराब होने की स्थिति में भी पहुँच गया है। सामने आपको एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस 22 टोले के गाँव में LED लाइट्स के लिए जगह जगह पैसे निकले हैं, लगभग 5 लाख रुपए के आसपास है। मैं आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहा हूं, लेकिन सामने ऊपर तस्वीरें देखिए, इन्हीं स्ट्रीट लाइटों के लिए सरकार ने 5 लाख रुपए यहां स्वीकृत किए हैं और 5 लाख रुपए का LED लाइट यहां पे लग चुका है। गाँव में जब भी विकास कार्य कराए जाते हैं तो वहाँ पर शुरुआत में या लास्ट में संबंधित योजना का नाम लिखा जाता है, उसी संबंध में यहाँ एक स्लपट लगा हुआ है, इस लपट पे योजना का नाम भी लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ, आप सभी देख सकते हैं। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना, हमें भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बता दूं इस पे 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा हुए हैं, लेकिन किस योजना के तहत बना है उसका नाम नहीं लिखा गया है। तो ऐसे छोटे मोटे भी भ्रष्टाचार हो जाते हैं।
सरकार द्वारा सरकारी नलों की सर्विस के लिए पैसे तो खूब बरसाए गए, लेकिन गांव में नलों की स्थिति बता रही है कि पैसे का से बंदरबाट। तो अभी तक संदीप मिश्रा पत्रकार आपको पूरे गांव की तस्वीर दिखा रहे थे। अब देखिए हमारे साथ गांव की तस्वीर। हम इस समय मौजूद हैं एक आरओ प्लांट पर, जो कि सरकारी वित्त पोषित द्वारा यहाँ पर किया गया है। 4 लाख रुपये का आवंटन किया गया है इस आरओ प्लांट के लिए। यहाँ पर फिजिकली अगर देख पाएँ तो यहाँ पर 3 टंकियाँ दिख रही हैं और 2 सिलेंडर्स दिख रहे हैं और पूरा लगभग व्यवस्था कराया गया है। लेकिन एक अनोखी बात दिख रही है कि यहाँ पर जनरेटर दिख रहा है। जनरेटर क्यों दिख रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हम जिनको जो आरओ को देख रहे हैं फिलहाल, इनका कहना है कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं कराई गई थी, जिसके कारण ये आरओ तो बन गया था लेकिन सप्लाई वहाँ पर नहीं हो पाती थी, लोगों को उसका हेल्प नहीं मिल पाता था, पानी नहीं मिल पाती थी। तो हमारे साथ हैं जिनको ये अलॉट हुआ है, इनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें भ्रष्टाचार रहा। ये बताइए, आपने बताया कि यहाँ पर बोरिंग का काम, बोर करने का कार्य भी आप अपने पैसे से? अपने पैसे से लगवाया हूँ मैं, और बिजली के साधन बोले साधन भी नहीं मिला हमको। अपने घर में चला रहे से उसको हम डांट 10,000 रुपये दिए हैं, अपने 10,000 रुपया बिजली। तो आप प्रधान से कहे नहीं कि अगर बिजली का सप्लाई नहीं होता है तो फिर हम कैसे सप्लाई दे पाएंगे? उनके कई मत बोल चुका हूँ मैं, जब गांव समझा लगाए हो गांव के लिए तो इसके हमको सप्लाई के पैसा एकड़ में बिजली लगवा दो। हाँ, तो सुन नहीं रहे, बोले अब लग जाएगा, लगता लगता अभी तक हो गया। तो इन्होंने जो है बिजली की समस्या जब प्रधान से सॉल्व नहीं हुई तो इन्होंने जनरेटर लगवाया, और जनरेटर के बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर वाटर लेकर जाते हैं, पानी लेकर जाते हैं, तो 20 लीटर की टंकी 10 रुपये में ये देते हैं, क्योंकि ये इनका कहना है कि सो कॉल्ड जनरेटर का जो है खर्चा निकालने के लिए, जो इसमें डीजल खर्चा हो रहा है उसको निकालने के लिए। तो यही बात आप कहना चाहते हैं ना? आपका नाम क्या है? मुंशी मंसारी। मुंशी मंसारी, ये लगभग कितने दिन पहले ये निर्माण हुआ था? लगभग साल भर हुआ। तो उसको लेके कुछ सॉलिड बातें नहीं कही प्रधान ने कि ये इस कारण की वजह से बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है? मैंने प्रधान जी से बोले हैं इसमें मीटर लगवा दीजिए, जैसे कहेंगे वैसे मैं दूंगा पानी, और एक आदमी का खर्चा दीजिए। बोले ठीक है, मीटर लगवा। इसमें क्या क्या आप अपने जेब से लगाए हैं? अपने पैसे से क्या क्या लगाए हैं? मैंने ये स्लिप बनवाया हूँ और बोर करवाया हूँ मैं, और कुछ अन्य सामान इसमें लगाया जो मिस्त्री बताया वो खरीद लिया। अच्छा, तो आपको पता है कि 4 लाख रुपए जो है प्रधान के खाते में आया था, सिर्फ इसका पूरा निर्भर हर तरह का? अब ये सब नहीं हमको मालूम, ये सब नहीं है कितने पैसा उनके खाते में आया है कितने नहीं आया है। तो देखिए, तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है शुद्ध रूप से। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं और वो भी दूसरे के सहयोग से ये तैयार होता है, और वो भी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता है, लोगों के लिए कमर्शियली उपलब्ध होता है 10 रुपये देने के बाद। तो ये बहुत ही दुर्व्यवस्था कही जा सकती है। चलिए, एक महिला जो है बड़ा भ्रष्टाचार की बात बताने जा रही है। देखिए कितना सकरा रास्ता इनके घर तक जा रहा है और कैसे अपना गुजारा यहाँ पर कर रही है। तो रास्ता आपने देखा, अब घर देखिए, जो एलिजिबल हैं उनको आवास नहीं मिला है, और आवास मिलने के नाम पर क्या हुआ है वो अभी हम बताते हैं। फिलहाल अंदर की तस्वीरें हम थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए, दूसरे के सपोर्ट से ये तैयार हुआ है एक छोटा सा झोपड़ी, जो कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, और मसाले नहीं लगे हुए हैं और बस एक बेस खड़ा करके तैयार किया गया है। जहाँ पे रूम शुरू होता है वहीं पे ये झोपड़ी छोटी सी ख़त्म हो जा रही है। ऐसे में जो लाभार्थी हैं, जो इनसे कमिटमेंट करा गया था कि आप जो है पैसा दे दीजिए और आपको आवास आवंटित कर दिया जाएगा, तो हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं कि चाची ये बताइए, आवास अभी लेने के मिलल? नहीं, नहीं नहीं मिलल। अच्छा, तो आवास के लिए प्रधान से नहीं कहनी? 5 बार बहुत चक्कर पर कहाई बात, हमारे प्रधान सुन लेला ना। हाँ, आसरा धरावे ना कि 2 महीना के बाद तक हो दे, तो 2 महीना के बाद अब हो दे, देते देते 5 पैसे हो गए। आवास वाला जो पैसा दिल रहा उनके, तो ओकरे बारे में क्या कहना है? कहना मिली कितना दिल रहा? 10,000। 10,000 कितना पहले दिल रहा?
अरे 5 वर्ष से ऊपर हो गई है। नया नया प्रधान बना। हाँ हाँ नया। जब आज प्रधान बने उन्हीं के दिल रालू। हाँ। अच्छा। बताइए ना कि कहे लिए पैसा लेता नहीं। तो पैसा तो नहीं दिया दिया जला ऊपर। हाँ सभी दी होला। सभे दिया हम हूँ दिया नहीं। कितना कितना सभे दिया ला? ये जब बगल में वो हमारे भौसुर का लड़का बना वो दिया लेना 10,000 हमारे दिया ले रही है तो वो तो हमारा झगड़ा झूठी कह के ले दिया ला और नहीं पौली महाराज जा का करा नहीं पौली असरा धरा आवा तना किता के 2 महीना के बाद दे तक 1.5 महीना के बाद दे तक 4 महीना के बाद दे आइए घर न रहे के जगह बा न बरखा तो न पानी लग जा इनके कोनो सहारा नहीं खाई के तो देखिए क्या है कि यहाँ पर महिला से स्पष्टीकरण ये चीज इस बात का हो रहा है कि इस महिला से नहीं लगभग यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग हैं जिनसे 10,000 रुपये 15,000 रुपये लिए गए थे आवास के नाम पे और संजोग से रामकोला एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसमें आवास का आवंटन इस बार नहीं आ पाया सूची गायब थी जिसके कारण वो सभी लोगों के पैसे उनके पास रह गए और वो केवल आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ के लिए सरकार का एक भी रुपये फीस नहीं है उसके लिए प्रधान के अकाउंट में 10,000 रुपये उस आवास के नाम पर लिए जाते हैं जिसको कभी नहीं लौटाया जाता है। अभी आप सामने देख रहे हैं लाल लाल चटक रंग में पीले कलर में लाल कलर का आंगनबाड़ी केंद्र लिखा हुआ है, साथ में लिखा है टोला उड़ा हुआ ग्राम पंचायत सपाहा। तो चलिए भाई आंगनबाड़ी केंद्र का जो है स्थिति हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाहर से पेंट ओंट तो सब चीज़ें दिख रही हैं, यूजुअली जो ढांचा है वो तैयार कर दिया गया है, लेकिन आप देखिए ये आंगनबाड़ी केंद्र ऐसा बना हुआ है कि ये हवा महल हो गया है। जहाँ से मन करे वहाँ से हवा इंटर कर सकता है, जहाँ से मन करे वहाँ से लोग इंटर कर सकते हैं। यहाँ के सामान जो भी रखे हुए हैं वो पुष्टहार रखा हो या जो भी असेंशियल चीज़ें जो आंगनबाड़ी केंद्रों में आती हैं उसका सुविधा उसका सिक्योरिटी देखिए किस लेवल पे हो रहा हो। तो देखिए हम किचन के अंदर अब एंट्री कर रहे हैं, किचन रूम का भी जो है थोड़ा सा अभी टूटा फूटा ही स्थिति में दिख रहा है। साथ ही में यहाँ देखिए खिड़कियाँ भी नहीं हैं और साथ में एक शौचालय का भी निर्माण हुआ है पीछे साइड में, हम दिखाना चाहेंगे पीछे देखिए कहीं भी न गेट दिख रहा है ना खिड़की दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पर कुछ आई लव यू लिखा हुआ है, आई लव यू ही यही सब दिख रहा है, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये स्थिति इस गांव की रही सपाहा की जो कि रामकोला क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर हम आए और अपनी पूरी जो पैरामीटर है उस पर हम बात किए, हम ग्राम प्रधान से भी बात किए कि उनका क्या कहना है, लेकिन शायद उनके पास समय की अल्पता थी कि वो हमसे मिलने से इनकार कर दिए। तो अब हम सचिव से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लापरवाहियाँ हुई हैं जो कमियाँ हुई हैं उसका कारण क्या रहा। तो लगातार कॉल करने की कोशिश करने के बावजूद जो सचिव साहब उन्होंने फोन को रिसीव नहीं उठाना जो है ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे में हम यहाँ पर अपना समापन कर रहे हैं, आप खुद से जस्टिफाई करें यहाँ के जो प्रधान हैं सपा के जो प्रधान हैं वो किस तरह गांव का डेवलपमेंट किए हैं और किस तरह भ्रष्टाचार में संलिप्तता है। और हम अधिकारियों से भी अपील करते हैं कि एक बार यहाँ पर आएँ विजिट करें और जानें कि कितनी गलतियाँ कितनी गड़बड़ियाँ यहाँ पर मौजूदा फिजिकली परिवेश में हैं। तो आप देख रहे थे गांव की सरकार, हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा पत्रकार और डीके पांडे और मैं हूं आपका अर्जुन वेदांत।